नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज और मैं आपके साथ ज्योति राघव। प्रेमी जोड़ों को सरकार ने एक अच्छी खबर सुनाई है। यह तोहफा सरकार ने वैलेंटाइन डे के ऊपर दिया है। प्रेमी जोड़ों को इस प्यार भरे सफर को स्पेशल बनाने के लिए राजस्थान पुलिस ने 14 जनवरी से पहले खास तैयारी की है ताकि आप अच्छे से अपना वैलेंटाइन डे मना सके। दरअसल हर साल कई ऐसी खबरें सामने आती है कि जिसमें मंचलों द्वारा प्रेमी युगल को छेड़ा या फिर परेशान किया जाता है, तो इस बार राज्य पुलिस ने एक ऐसे मंचलों पर कार्यवाही की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की है जिसमें लिखा है कि राजस्थान पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए सदैव है तत्पर। वैलेंटाइन डे वीक के नाम पर कोई सताए तो हेल्पलाइन 1090 पर कॉल लगाए। मंचलों पर एक्शन के मूड में पुलिस ने यह कदम इसलिए भी उठाया है ताकि वैलेंटाइन डे या वीक के नाम पर महिलाओं या युवतियों के साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ ना हो। कई ऐसे मामले देखे गए हैं जब असामाजिक तत्वों की ओर से प्रेमी जोड़ों को परेशान किया जाता है, उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट तक की जाती है। राजस्थान पुलिस ने वैलेंटाइन डे वीक में प्रेमी जोड़ों को सुरक्षा की गारंटी दी है और सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर आह्वान किया है कि कहीं भी कोई व्यक्ति किसी को परेशान करे तो तुरंत पुलिस को कॉल करे, परेशान करने वालों पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही पुलिस की ओर से युवक व युवतियों को सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कार्यों से बचने की नसीहत दी है जो लोगों को परेशानी का सबब ना बने। विशेषकर प्रेमी युगल शॉपिंग मॉल, सार्वजनिक पार्कों पर शरारत करने से बचे। पुलिस ने कहा कि कहीं भी किसी की शरारत सामने आई तो तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। वैलेंटाइन डे पर पूरे शहर में निर्भय स्क्वाड की टीम भी गश्त करेगी। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।